नमस्कार, आप देख रहे हैं एन भारत टीवी और खबर दिल्ली के जंतर मंतर से। आज 9 जुलाई को संकल्प यात्रा यानी संकल्प मार्च निकाला गया। यह दिल्ली के कनॉट प्लेस से स्टार्ट हुआ और जंतर मंतर तक यह मार्च निकाला गया। इसमें चाहे वो उदयपुर की घटना हो, जिस तरीके से हिंदुओं पे अटैक हो रहा है, उनके गले काटे जा रहे हैं, उन पर अत्याचार हो रहा है, या ये कहें कि जिस तरीके से हिंदू समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है, इसको देखते हुए आज ये सभी हिंदू समाज के लोग, चाहे वो हिंदू समाज से आने वाले संत महात्मा हो या समाज का कोई भी निम्न वर्ग का व्यक्ति हो, सभी ने इस संकल्प मार्च में अपना योगदान दिया। कपिल मिश्रा हो, बीजेपी से, आरएसएस से या और संगठनों से कोई भी हो, सब यहाँ पहुँचे। सबका संकल्प मार्च में आना एक ही कारण था कि किसी भी हालत में अब यह देश संविधान से चलेगा, सरिया कानून से नहीं चलेगा। आखिर हर चीज़ में सरिया कानून क्यों घुसेड़ा जा रहा है, क्यों हर जगह सरिया कानून लागू किया जा रहा है? आखिर देश में रहना है तो संविधान मानना पड़ेगा। इस तरीके की दादागिरी या इस तरीके का अगर कार्य होगा तो वो अब बर्दाश्त से बाहर है। समाज पहले ही बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुका है, चाहे वो हिंदू देवताओं का अपमान हो, हिंदू लोगों पे अपमान हो, सनातन धर्म के ऊपर जिस तरीके से अटैक हो रहा है, लोगों पे अत्याचार हो रहे हैं, अब यह बर्दाश्त नहीं होगा। आज इसी को देखते हुए दूर दूर से, चाहे वो दिल्ली हो चाहे दिल्ली के बाहर से हो, एक एक व्यक्ति यहाँ पहुँचा और बड़ी संख्या में कहें तो करीब हजारों नहीं लाखों की संख्या में आज जंतर मंतर इन संगठन और इन लोगों से पटा पड़ा था। सभी कहना एक ही था कि अब हम यह बर्दाश्त नहीं करेंगे, अगर देश में रहना है तो संविधान मानना पड़ेगा। देश में संविधान सबसे पहले है, ना कि सरिया कानून। अगर आप इसको नहीं मानते हैं तो अपना विचार बदलिए। देश संविधान से चलेगा और इसको ही मानना पड़ेगा। हम भी मानते हैं, आप भी मानिए। अगर आप भारत के निवासी हैं तो ये भी आपको मानना पड़ेगा। हिंदुओं पर जिस तरीके से अटैक हो रहा है, अब ये बर्दाश्त से बाहर है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। खासकर हिंदू समाज में आने वाले वो संत, वो महात्मा यहाँ पे आज काफ़ी गुस्से में दिखाई दिए। उन्होंने सीधा कहा कि अब हम किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे, अगर ये लोग नहीं समझते हैं तो इनको समझाया जाएगा। छोड़ करके आप
जिस प्रयोजन से यहाँ आए हैं उसको सार्थक करें। कोई हमारे आज के कार्यक्रम के अतिथि यदि नीचे रह गए हैं तो श्रीमान इंदर जी से, श्रीमान दीपक गुप्ता जी से, अशोक गुप्ता जी से, श्रीमान चंद्र वधवा जी से मैं निवेदन करूंगा कि कृपया उनको मंच पर लेकर के आए, ताकि हम आज का अपना यह कार्यक्रम विधिवत शुरू कर सके। और मैं हमारे आज के मुख्य वक्ता